वेलकम टू ComEra इंस्टीट्यूट। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एमएस वर्ड 2007 एमएस वर्ड के अंदर कुछ हिडन कमांड्स की। वो हिडन कमांड्स क्या है और कैसे यूज होती हैं, आज इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब जैसे हम हैं व्हाट्सएप के अंदर, तो स्टार और जो भी वर्ड है आपका वो लिखेंगे, फिर स्टार दबाएंगे तो वो आपका लिखा हो जाएगा। इसी तरह से इटैलिक लिखना है तो अंडरस्कोर और जो भी वर्ड है वो और फिर इटैलिक हो जाएगा आपका। अब टेबल बनाने के अंदर इंसर्ट में जाए बगैर हम यहाँ पर प्लस और माइनस 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 प्लस माइनस माइनस ये यूज़ करेंगे तो इससे हमारे कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम छोटा, बाकी दो कॉलम बड़े बनेंगे, तीन कॉलम का ये टेबल बन जाएगा। लास्ट कॉलम पे आके हम टैप का बटन दबाएंगे तो एड ग्रो और एड हो जाएगी। लास्ट कॉलम पे टैप दबाया, लास्ट कॉलम पे आएंगे फिर टैप दबाएंगे तो एक रॉ ऐड हो जाएगी। जितनी रॉ चाहिए टैप के बटन दबाते जाएंगे लास्ट कॉलम में आके। अब यहाँ पर अगर आपको बोल्ड लाइन चाहिए तो तीन बार अंडरस्कोर लिखेंगे और एंटर करेंगे तो एक लाइन आ जाएगी जो बोल्ड होगी। अगर आपको बारीक लाइन लेनी है तो माइनस लिखेंगे तीन बार तो ये पहले से बारीक लाइन आई है। इसी तरह से हम तीन बार जो है इस डायरेक्ट लिखेंगे तो हमारे पास डॉटेड लाइन या स्क्वायर बॉक्सेस लाइन आ जाएगी। तीन बार हैश लिखने से हमारे पास जो है ट्रिपल लाइन आ जाएगी जिसके अंदर तीन लाइनें डली होती हैं। तीन बार ये जो कीबोर्ड के अंदर मध्य का निशान होता है टैब के ऊपर होता है वो डालने से zigzag लाइन आ जाएगी। इक्वल्स टू तीन बार लिखेंगे तो हमारे पास डबल लाइन आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको 1/2 लिखना है तो आप लिख सकते हैं और स्पेस देके इंटर करेंगे तो फॉन्ट वो जो है आपका लिखा हुआ जाएगा। जैसे कि 2 1/2 इंटर किया तो वो आपका लिखा हुआ जाएगा। डबल माइनस और ग्रेटर देन का साइन तो आपके पास जो है राइट एरो बना हुआ जाएगा। और लेस देन और डबल माइनस लगाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट एरो आ जाएगा। इक्वल्स टू दो बार लिखेंगे और हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तो हमारे पास बोल्ड आएगा। उसी तरह लेस देन का साइन यूज़ करेंगे और डबल इक्वल्स टू लगाएंगे तो हमारे पास बोल्ड लेफ्ट एरो आएगा। लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन तो ये डबल साइडेड एरो आ जाएगा। इमोजीज यूज करनी है हैप्पी और सैड की तो ब्रैकेट कॉलन और ब्रैकेट आ जाएगा। फर्स्ट लिखने के लिए 1 और एस टी लिख के इंटर करेंगे तो फर्स्ट लिखा आ जाएगा। सेकंड के लिए 2 लिख के एनडी लिखेंगे तो सेकंड आ जाएगा। इसी तरह थर्ड के लिए 3 और एनडी लिखेंगे तो थर्ड आ जाएगा। अगर हमको बुलेट्स बनानी है राउंडेड बुलेट तो हम स्टार का बटन दबाएंगे और टैप कर देंगे तो वो राउंडेड बुलेट्स बनी हुई आ जाएंगी। बजाय हम ऊपर जाएं और जाके वहाँ से बुलेट सेलेक्ट करें, हम यहाँ से इस तरह से अब बुलेट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से नंबर बुलेट्स बनानी है तो हम 1 लिखेंगे और टैप का बटन दबा देंगे तो न्यूमेरिक बुलेट्स आ जाएंगे।
माइनस का साइन लिया एंड टैप करने दबाया तो माइनस वाली बुलेट्स बनी भी आ गई हैं। इसी तरह से हम ग्रेटर देन के भी बना सकते हैं बुलेट्स। ग्रेटर देन लिया, टैप करने दबाया तो ये स्टाइलिश बुलेट आ गई है मेरे पास। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कस्टमाइज बुलेट की। इंसर्ट में गया, इंसर्ट में पिक्चर्स, और पिक्चर के अंदर मैंने अपने पिक्चर्स सेलेक्ट कर लिए, अपने लोगो इमेज सेलेक्ट कर लिए। मैंने उसको रिसाइज किया, छोटा साइज किया ताकि ये बुलेट के हिसाब से बने, ठीक है। और उसी के हिसाब से मैंने अपना जो फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज़ कर लिया है। अब आप यहाँ देख लें कि कितना इंक्रीज़ और कितना डिक्रीज़ करना है, उसी हिसाब से अपना फॉन्ट साइज लेके आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ लिखना शुरू कर दें। अब देखें, इंटर करा तो हमारे पास कस्टमाइजली बुलेट बन गई, जिसे हम पिक्चर बुलेट भी कहते हैं। आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। कॉपीराइट के लिए ब्रैकेट सी और ब्रैकेट क्लोज कॉपीराइट का आइकन बना दीजिएगा, इसे हम कॉपीराइट सैम्पल भी कहते हैं। उसी तरह रिजर्व का ब्रैकेट आर ब्रैकेट, ट्रेडमार्क के लिए ब्रैकेट टीएम ब्रैकेट, अगर लॉन्ग डैश देना है जैसे कि बुक्स वगैरह में आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक वर्ड लिखेंगे, डबल माइनस लिखेंगे, स्पेस देके दूसरा वर्ड और इंटर करेंगे तो खुद ही डैश बढ़ा जाएगा। और जैसे फॉर्म वगैरह बनाना होता है तो फॉर्म के अंदर लगता है बॉक्सेस बने होते हैं चेक बॉक्स, तो बॉक्स के साथ से है बैक स्लैश और बॉक्स लिख देंगे सिंपल सा। और बॉक्स का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट साइज मिल जाएगा, उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जितना बड़ा आपको बॉक्स बनाना है उतना बड़ा फॉन्ट का साइज़ ले लें। तो ये एज अ टैक्स हैगा, ये कोई शेप नहीं बनी है, टैक्स है। इसको इजीली कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं, आपको जितने बॉक्सेस चाहिए आप आराम से लेके टैक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। कुछ इसके अंदर हिडन जो है फॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं भी एक लगा रहा हूँ कि बैक स्लैश डबल और कैपिटल ए, तो देखें ए कैसा आएगा डबल लाइन वाला। इसी तरह से मैं स्मॉल भी लिख सकता हूँ कि बैक स्लैश डबल ए, मैं ए से पहले स्पेस नहीं दे रहा हूँ, आखिर में छोटा जो भी होगा वो अल्फ़ाबेट होगा चाहे ए बी सी डी कोई भी हो। ऐसे इसी तरह से मैं दूसरा ले रहा हूँ कि टाइप बैक स्लैश एफ आर ए के टी यू आर, ठीक है, और फिर लिखा है कैपिटल में ए, देखें किस तरह से है। इसी तरह से मैं लिखूँगा बैक स्लैश एफ ए टी यू आर और स्मॉल ए, अब स्मॉल ए आया है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे हिडन फॉन्ट्स होते हैं, फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं जो सामने नज़र नहीं आ रहे होते हैं, जैसे कि बैक स्लैश स्क्रिप्ट और मैंने कैपिटल ए लिखा है, तो ए देखें कितना स्टाइलिश है। और इसी तरह से बैक स्लैश स्क्रिप्ट और स्मॉल ए लिखा है, एक ही जगह पर आप कोई सा भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर रैंडम टेक्स्ट के लिए, ये कमांड आपके सामने रिसेंट में नज़र आ रही है। इसमें जो पहले वन है, वन मैन यानी कि एक पैराग्राफ, और कॉमा के बाद जो टू है, टू का मतलब है कि दो लाइनों का पैराग्राफ। नेक्स्ट इस कमांड के अंदर 2.3 इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट 2.3 यानी कि दो पैराग्राफ तीन लाइनों के, ठीक है। अब है इक्वल्स टू आर ए एन डी, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें से है वो दो तीन पैराग्राफ तीन तीन लाइनों के हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हम एक्सेल के अंदर फार्मूले लगाते हैं प्लस माइनस के लिए, अगर वर्ड के अंदर कुछ कैलकुलेशन करनी है तो हम यहाँ पर कंट्रोल F9 दबाएंगे तो मेरे पास ग्रे कलर में दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे। उसमें हम एक्सेल की कमांड की तरह से यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला इक्वल्स टू 5+5, तो ये मैंने लिखा और राइट क्लिक करके मैंने अपडेट फील्ड कर दिया है, तो मेरा 5+5 10 आंसर आ गया है। आज के लिए इतने ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़। इसके अंदर कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि कुछ लोगों के पास नहीं चलेंगी, वो लोग जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे मिल जाएगा।